कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बेसिकली एसी मोटर्स। और इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एसी एनर्जी होती क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं डीसी सप्लाई पर, और सिंगल फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एसी सप्लाई जनरेट कैसे होती है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो एसी सप्लाई इस्तेमाल होती है वो कहाँ से आती है। बेसिकली ये जो एसी एनर्जी जनरेट होती है आमतौर पर ये एसी जनरेटर्स या ऑल्टरनेटर से प्रोड्यूस होती है। ऑल्टरनेटर का जो रोटर है उसको हम घुमाते हैं और किसी भी मैकेनिकल मीन से घुमाते हैं तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। डीसी एनर्जी जनरेट करना एसी के मुकाबले में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और एसी एनर्जी जितनी मैग्नीट्यूड में जनरेट हो सकती है डीसी एनर्जी नहीं हो सकती। उसके अलावा एसी एनर्जी का एक और फ़ायदा है वो ये कि एसी एनर्जी बहुत इजीली ट्रांसमिट की जा सकती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू डीसी। डीसी सप्लाई को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेज होते हैं जो कि एसी में नहीं होते। वजह क्या है ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं वो तमाम की तमाम डीसी एनर्जी जनरेट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि घरों में हमेशा एसी एनर्जी सप्लाई की जाती है। और एसी एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एसी एनर्जी को लेकर हम उसको हर जगह डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है डीसी एनर्जी अगर हमें चाहिए डीसी एनर्जी है तो हम डायरेक्टली डीसी एनर्जी क्यों नहीं जनरेट करा लेते। बल्कि उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एसी एनर्जी है, एक तो ये कि इसकी जो ट्रांसमिशन है ये बड़ी आसान है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि डीसी सप्लाई जो होती है हमारे पास वो डीसी वोल्टेजेस जो हैं वो या डीसी एनर्जी जनरेट करना बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड में बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, चले। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है, आपने देखा होगा अक्सर घरों में सिंगल फेज सप्लाई होती है कुछ घरों में, और इंडस्ट्री में आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये थ्री फेज सप्लाई होती है। तो सवाल ये पैदा होता है थ्री फेज सप्लाई का क्या फ़ायदा है सिंगल फेज के मुकाबले में। तो थ्री फेज का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है सिंगल फेज के मुकाबले में, एक तो ये है कि जो थ्री फेज अगर जनरेटर है तो उसकी शाफ्ट पे बड़ा स्मूथ टॉर्क होता है, जबकि सिंगल फेज जो सप्लाई होती है उसकी जनरेटर की शाफ्ट पर स्मूथ टॉर्क नहीं होता, बल्कि होता यह है कि किसी इंस्टेंट पे बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है और किसी इंस्टेंट पे बहुत कम टॉर्क होता है। लेकिन इसके मुकाबले में डीसी जनरेटर का फ़ायदा यह है, थ्री फेज जनरेटर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि थ्री फेज जनरेटर में जो मैकेनिकल पावर शाफ्ट को रोटेट करा रही होती है इट फेसिस सेम टॉर्क स्मूथ टॉर्क वट एवर दी पोजिशन ऑफ रोटर। जबकि एसी जनरेटर में ये होता है कि जो रोटर है जब वो 90 डिग्री पे होगा तो टॉर्क की कुछ और वैल्यू होगी, 180 डिग्री पे होगा तो टॉर्क की कुछ और वैल्यू होगी, ऐसा थ्री फेज में नहीं होता। अच्छा, थ्री फेज का एक और फायदा ये है, आमतौर पर आपने देखा होगा सिंगल फेज में दो वायर इस्तेमाल होते हैं, तो एक इम्प्रेशन ये भी लिया जाता है कि सिंगल फेज में अगर दो वायर होते हैं तो थ्री फेज में टोटल छः वायर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि थ्री फेज में सिर्फ और सिर्फ चार वायर होते हैं। आमतौर पर तीन वायर होते हैं और एक वायर न्यूट्रल का अगर हम मिला लें तो टोटल चार वायर होते हैं, लेकिन आम जितने भी थ्री फेज लोड होते हैं दे डोंट नीड एनी न्यूट्रल वायर, दे नीड जस्ट थ्री फेज वायर्स। अंडरस्टैंड? तो ये देखिएगा, ये हमारे पास एक सिंगल फेज मोटर है, तो वी नीड टू वायर्स टू सप्लाई द मोटर, और हमारे पास जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें हमारे पास टोटल तीन तार होते हैं L1, L2 और L3। अब फायदा क्या है, आप देखें यहाँ पर दो वायर हैं, यहाँ पर तीन वायर हैं, तो ज़्यादा कॉपर कहाँ पर खर्च होगा? इट सीम्स के ये जो थ्री फेज मोटर है इसमें ज़्यादा कॉपर खर्च होगा, सिंगल फेज में कम कॉपर खर्च होगा। लेकिन सिनेरियो इज समथिंग डिफरेंट। होता क्या है, अगर यहाँ पर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल वायर में से भी कितना करंट फ्लो होता है? 10 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और तीनों वायर्स में से जो करंट है वो कम फ्लो हो रहा है। मिसाल के तौर पर इट माइट बी कि लेट सपोज यहाँ से 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी 4 एम्पियर और यहाँ से भी 4 एम्पियर, तो आप ये देखिए जो वायर 10 एम्पियर करंट कैरी करेगा वो थिक होगा, उसके मुकाबले में जो वायर 4 एम्पियर करंट कैरी करेगा वो काफ़ी थिन होगा। और थिन होने का मतलब ये है कि यू विल नीड
लेस कॉपर पतले तारों का मतलब यह है कि आप रिलेटिवली इन तीनों तारों का जो की थिकनेस होगी वो मिलाकर भी इन दोनों वायर्स के बराबर नहीं होगी। तो थ्री फेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि सिंपल हमारे पास तीन वायर की मतलब होते तो तीन वायर हैं लेकिन तीन वायर्स होने के बावजूद कम कॉपर इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वोल्टेजेस आते हैं वो आते हैं 220, लेकिन क्या ये 220 जनरेट होते हैं और पावर हाउस पे, और ये जो 220 वोल्ट्स हैं क्या ये 220 वोल्ट डायरेक्टली हमारे घरों में सप्लाई होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा 440 वोल्ट्स की लाइन, उससे पहले आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट की लाइन। और एक्चुअली होता क्या है, ये एसी वोल्टेजेस आमतौर पर जहाँ पे भी जनरेट किए जाते हैं, चाहे हाइड्रल पावर से जनरेट हो या किसी और एनर्जी से जनरेट हो, इनकी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन इस तरह से नहीं होती, बल्कि लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन इस तरह से होती है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये 22.5 किलो वोल्ट जो है वो जनरेट किया गया, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डेफिनेटली इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, 500 किलो वोल्ट के बाद एक और आप देखें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 115 किलो वोल्ट के बाद एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 69 किलो वोल्ट, 69 से 4 किलो वोल्ट, और 4 किलो वोल्ट से ही हो गया 220 वोल्ट। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे 220 वोल्ट चाहिए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 220 वोल्ट डायरेक्टली सप्लाई करूँ और 220 वोल्ट ट्रांसमिट करा दूँ और 220 वोल्ट हमारे घरों में आ जाएँ, तो बीच में ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने का सिनारी हो ये ख़त्म ही हो जाए। जो PMT है, बेसिकली PMP इज पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। आप ये देखें, अगर इट सीम्स के अगर 220 वोल्ट डायरेक्टली जनरेट हो और 220 वोल्ट घरों पे एज इट इज सप्लाई कर दिए जाएं तो बड़ी आसानी हो जाए, ना कोई PMT इस्तेमाल हो, ना बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज होते हैं उनकी वजह से कोई जो इनके हैज़र्ड्स होते हैं वो भी ना हो। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये जो वोल्टेज को ट्रांसमिट करके बहुत ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके बाद इस लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं है, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में 11,000 वोल्ट होता है, 2,00,000 वोल्ट होता है, ये इट इज़ समथिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने शो किया है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या वजह है कि हम ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेजेस को पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेजेस को कम करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखिए एक सिनेरियो दिखाया हुआ है, ये एक जनरेटर है हमारे पास और ये हमारे पास लोड है, और जनरेटर और लोड के साथ ये जो बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ सिंपल रेजिस्टेंस, इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन। अब जाहिर है आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई होती है कॉपर की, और कॉपर की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अगर मेरे पास कॉपर का वायर है 1 मीटर का 2 मीटर का 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, तो ये कॉपर की जो वायर है इसकी कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी। लेकिन अब सपोज करें कि एनर्जी जनरेट हो रही है किसी डैम में और डैम के थ्रू ये जो नेशनल ग्रिड की एनर्जी अगर कराची लाई जा रही है, तो ये ठीक ठाक डिस्टेंस है। अगर बहुत अच्छा कॉपर का वायर भी हम इस्तेमाल करें तो इट विल मतलब इट हैज़ सम रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से उसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब आप ये देखें, सपोज करें ये जो जनरेटर है ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है वी, और ये वोल्टेज जो वी जनरेट कर रहा है जनरेटर, ये ट्रांसमिशन लाइन, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाली वायर की रेजिस्टेंस है, बल्कि ज़ाहिर जितनी रेजिस्टेंस इस ऊपर वाले ट्रांसमिशन लाइन में होगी उतनी इस नीचे वाली ट्रांसमिशन लाइन में भी होगी। तो किया ये गया है कि दो रेजिस्टेंस अलग अलग लगाने के बजाय इनका जो टोटल इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ये आर यहाँ पर शो की गई है। अच्छा, अब होगा ये कि ज़ाहिर है ये लोड कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, जब ये लोड करंट ड्रॉ करेगा और तो ये सपोज करें जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो आई है, जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो वी है, तो इस लोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो हो जाएंगे आई इंटू आर, और ज़ाहिर है ये रेजिस्टेंस जो है जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो वो कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट करती है इन फॉर्म ऑफ हीट, तो ये जो पावर यहाँ पर डिसिपेट कर रही है ये है आई स्क्वायर आर अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। तो अब आप ये देखें यहाँ पर जो वोल्टेज हमारे पास पहुँचेंगे ये पूरे वी वोल्टेज नहीं पहुँचेंगे बल्कि वी माइनस आई इंटू आर पहुँचेंगे,
और जो पावर डिसिपेशन हुई है आई स्क्वायर आर, तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो आई स्क्वायर आर पावर डिसिपेशन हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करें करंट है एक एम्पियर और ये जो रेजिस्टेंस है बहुत छोटा सा वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, तो आई आर ड्रॉप कितना होगा? सिंपल 0.1 वोल्ट, दैट कैन बी निगलेक्टेड। इसी तरह से जो पावर डिसिपेशन होगी वो कितनी होगी? आई स्क्वायर आर यानी कि 0.1 वाट्स। ये भी कोई बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन नहीं है एंड इट कैन बी निगलेक्टेड। लेकिन असल इशू कहाँ आता है? असल इशू तक आता है जहाँ पर अब जाहिर है एक सिटी के लिए अगर ट्रांसमिशन हो रही है, चले मैं बहुत छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो करंट है आई सिंपल 100 एम्पियर और रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो आर अगर 5 ओम भी है तो आई इंटू आर कितना हो जाएगा? 500 वोल्ट। इतने वोल्टेज तो सप्लाई नहीं हो रहा है, नतीजा क्या होगा? पता ही चलेगा कि वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा हो रहा है कि यूज़र एंड पे कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रहा। इसी तरह से जो पावर डिसिपेशन अगर मैं देखूँ आई स्क्वायर आर, तो आई पावर डिसिपेशन इस केस में कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर का मतलब है 10,000 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50,000 वॉट यानी कि 50 किलो वॉट। तो आपने देखा कि ये कैसा खौफनाक सा सिनेरियो है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं, आप देखें बहुत सारे कराची में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली अवेलेबल नहीं है, जो नई नई सोसाइटियां बनती हैं या बहुत सारी इलीगल आबादियां हैं वहां पर एनर्जी नहीं है। जैसे एक जगह कराची में शाह लतीफ है तो लीगल, लेकिन वहाँ पर एक ज़माने तक बिजली मौजूद नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया था, लोग बड़ी दूर दूर से कुंडे लगाते थे और सप्लाई लेकर आते थे। अच्छा लगाते थे वो टेलीफोन का लोहे वाला तार, तो लोहे वाले तार की चूँकि रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है, इसलिए जब वो अपने घर उनके घर तक जो एनर्जी आती थी तो वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता था, बल्कि काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। उसकी वजह क्या है? जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो अब हमने ये देखना है कि किस तरह से हम ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कम कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कम करके हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन?